नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के विषय थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग फैशन के व्यवसाय और उसके सिद्धांत पर आज मैं आपके सम्मुख इस पीपीटी स्लाइड शो के माध्यम से आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के परिचय से। इस स्लाइड में मैं आपको 5 पॉइंट के माध्यम से अवगत कराऊंगी कि फैशन के व्यवसाय और सिद्धांत के बारे में। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है फैशन की उत्पत्ति। फैशन की उत्पत्ति कहाँ हुई इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सेकंड पॉइंट है फैशन क्या है, फैशन क्या होता है। और थर्ड पॉइंट है फैशन के प्रचार। फैशन के जगत में हम फैशन का प्रचार किन किन माध्यमों से कर सकते हैं, आज इस विषय में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कपड़े का व्यापार। कपड़े का व्यापार कैसे होता है इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है फैशन के सिद्धांत। फैशन के क्या क्या सिद्धांत होते हैं इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैशन की उत्पत्ति। फैशन की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा है जो फेसरे वर्ड से बना है। फैशन से पहले इसका वर्ड फेसरे था, इसके बाद इसका नाम फैशन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फैशन क्या है। मानव समाज देश काल ऋतुओं एवं धार्मिक रीति रिवाजों के कारण प्राचीन काल से ही बदलता रहा है। वर्तमान का युग विज्ञान का युग है। आज कोई भी व्यक्ति फैशन के इस विभिन्नता भरे दौर से अलग नहीं रह सकता है, क्योंकि यह सौंदर्य का युग है। मानव सौंदर्य युक्त वस्तुओं को अधिक पसंद करता है। यह कहना सार्थक होगा कि सुंदरता ने फैशन के अनेक डिजाइनर्स को, जो सौंदर्य वृद्धि का आधार बनते हैं या यूं कहें उनको जन्म दिया है। फैशन एक रचनात्मक विज्ञान है जो कपड़े पर पैटर्न शैलियों का उपयोग किया जाता है। मतलब मनुष्य जो या डिजाइनर जो सोचता है, अपने दिमाग में जो कल्पना करता है, उसे वह अपने पेन पेंसिल कागज पे वो उतारता है। इसके बाद ही जब वह बन जाता है तब वह अपने पैटर्न तथा वह फैब्रिक पर उसको पैटर्न को फाइनल डिजाइन बनाता है। यह हमारे कपड़ों को नई शैली देता है। फैशन को या यूं सरल भाषा में कहें कि कोई भी स्टाइल अधिक प्रचलित हो जाता है उसे हम फैशन कहते हैं। फैशन में एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, फैशन सिर्फ कपड़ों से ही नहीं होता है। फैशन हमारा एक्सेसरीज से भी जुड़ा होता है, हमारे मेकअप से भी जुड़ा होता है और हमारी हेयर स्टाइल से भी जुड़ा होता है। हमारी हेयर स्टाइल कैसी है, हमने कैसा मेकअप किया है फैशन के अकॉर्डिंग, और हमारी जो एक्सेसरीज हैं जैसे पर्स, बैग, क्लचर, कुछ भी एक्सेट्रा, हमारी जो एक्सेसरीज हैं ये सब हमारे फैशन में आती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, फैशन ऑक्यूपेशन। फैशन ऑक्यूपेशन, कपड़ों का कोई भी न्यू स्टाइल मार्केट में तभी आता है जब उसका व्यवसायिक परिचय या प्रचार डिजाइनर एवं वस्त्र निर्माता द्वारा ना दिया जाए। मतलब हम कोई भी कपड़ा जैसे नए स्टाइल मार्केट में लाते हैं तो जब तक उसका परिचय, जब हम मार्केट जाते हैं तो जब तक वो हमें डिजाइनर्स द्वारा या किसी वस्त्र निर्माता द्वारा नहीं दिया जाता है कि कपड़ा कौन सा डिजाइन मार्केट में आया है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तब तक हम उस फैब्रिक को नहीं पसंद करते हैं या हम उसे नहीं खरीदते हैं। जब हमें पता चलता है कि आज मार्केट में ये ट्रेंड नया आया हुआ है या ऐसा कपड़ा चल रहा है, उसे हम आकर्षित होते हैं और उसे पसंद करते हैं। कपड़ा को इस तरह विभिन्न प्रकार से इसका प्रचार किया जाता है। बिना प्रचार किए हम नहीं जान सकते हैं कि फैशन में क्या ट्रेंड है और कौन से डिजाइन लेटेस्ट चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि
फैशन में होने वाले प्रचार कितने तरह के होते हैं। जैसा कि हमने स्लाइड में दिखाया है कि फैशन में प्रयुक्त होने वाले प्रचार कई तरह से किए जा सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा फैशन मैगजीन। फैशन मैगजीन, फैशन मैगजीन तो आप सभी के घरों में होगा, आप सभी लोग पढ़ते भी होंगे। फैशन मैगजीन के थ्रू हम इसका प्रचार कर सकते हैं। उसमें जो मॉडल्स होती हैं, जो नए नए ड्रेस पहनती हैं, कपड़े पहनते हैं, उसमें लेटेस्ट चीजें दिखाई जाती हैं मैगजीन में, वह उसमें प्रिंट होती हैं, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि आज के हमारे ट्रेंड में क्या चल रहा है, कौन सा लेटेस्ट स्टाइल है, चाहे वो वेस्टर्न हो, इंडो वेस्टर्न हो या कोई ट्रेडिशनल ड्रेस हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रचार करने का माध्यम है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी सबके पास है, आते हैं। न्यूज़पेपर में भी हम देख सकते हैं कि कौन सा फैशन कैसा चल रहा है या किस ट्रेंड का चल रहा है या कैसे मौसम में कौन सा कलर चलता है। न्यूज़पेपर के थ्रू भी हम पढ़ सकते हैं कि हमारा ड्रेस ऐसा चल रहा है, ट्रेडिशनल में है या वेस्टर्न ज्यादा चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि हमने स्लाइड में दिखाया है रेडियो। रेडियो के माध्यम भी एक प्रचार करने का अच्छा माध्यम है। रेडियो के माध्यम से हम सुन सकते हैं कि उसमें फैशन के जगत में कौन सी ड्रेस होती है और कैसी ड्रेस ली जाती है, कैसे कलर देखते हैं, इसके माध्यम से भी हम इसका प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेलीविजन। टेलीविजन होता है वो सबके घर में है। टेलीविजन से भी हम टीवी पे देखते हैं कि फैशन में क्या चल रहा है, उसमें कौन से लेटेस्ट कपड़े पहन रहे हैं। टेलीविजन तो आप सभी लोग देखते होंगे, जैसा कि आप लोग मूवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं। आप लोग मूवी सीरियल्स में देखते हैं कि किसने कैसे फैशन वाले कपड़े पहने हैं, कौन सी ड्रेस पहनी है, साड़ी है या वेस्टर्न ड्रेस है, कैसी उन्होंने ज्वेलरी वेयर की है और किस किस तरह के गारमेंट को पहना है। टीवी में देख के ही आजकल लोग बाजार में जाते हैं और वैसे ही फैशन वाले या वैसे ही डिजाइनर कपड़ों की मांग रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटर इंटरनेट, जो सबसे हाई लेवल पे है। कंप्यूटर इंटरनेट जिसके बिना लगभग लगभग बहुत से काम अधूरे रहते हैं। बिना इसके डिजाइनर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। कंप्यूटर इंटरनेट में हम पता कर सकते हैं सर्च करके कि लेटेस्ट फैशन क्या है। अगर हमें कोई ड्रेस सर्च करनी होती है, हम इंटरनेट के माध्यम लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट कलर, व्हाट ट्रेंड या कैसे ओकेजन या क्या है, उस पर हम इंटरनेट पे पता कर सकते हैं और ये इसका प्रचार करने का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। सबसे हमारा लास्ट पॉइंट आता है फैशन शो, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रचार का माध्यम। इस शो में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी डिजाइनर अगर कोई कपड़ा डिजाइन, ड्रेस डिजाइन करता है तो उसमें सबसे पहले उसको वह स्केच उतारता है। स्केच उतारने के बाद वे उस पे कलर के थ्रू व डिजाइन के थ्रू उस पे कलर भरेगा। कलर भरने के बाद वो अगर कोई भी ड्रेस बनती है तो उसके पास वो सबसे पहले उसे रैंप पे उतारता है। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा फैशन शो में मॉडल रैंप पर चलती हैं, वो डिजाइनर्स के थ्रू पहले रैंप पे चलती हैं। फिर वो डिजाइन जब बहुत ज्यादा अधिक प्रचलित हो जाता है तब वह मार्केट में आता है। तो इसके माध्यम से, फैशन शो के भी माध्यम से हम इसको प्रचार को बढ़ावा दे सकते हैं और ये बहुत अधिक प्रचलित माध्यम होता है। तो आइए अब बात करते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की, जिसमें हम आपको बताएंगे कपड़े के व्यापार के बारे में। कपड़े के व्यापार के बारे में, फैशन की जगत में हम अपना व्यापार कई तरीकों से शुरू कर सकते हैं। इसमें हम घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं और इसमें हम बाहर से भी काम कर सकते हैं और इसमें हम ऑनलाइन भी कई सारे काम कर सकते हैं। मेन ये होता है कि हमारा या आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपकी रुचि आपकी ऑनलाइन में है या किसी फैब्रिक वगैरह में है या आपकी स्केचिंग बहुत अच्छी है, आप इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कई तरीके से व्यापार अपना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम, अपना पहला पॉइंट हमारा है फैब्रिक शॉप। फैब्रिक शॉप यानी कपड़े की दुकान। अगर आपके पास कई सारा फैब्रिक है या कपड़े की शॉप खोलना चाहते हैं आप, हम
तो इस लाइन पे आपका व्यापार बहुत अच्छे से चल सकता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो कई सारे हमारी फैब्रिक शॉप होती हैं, उसपे आप देखते होंगे कि कैसे दुकानदार कैसे कपड़े देता है, कैसे लेता है, कैसे वो अपने व्यापार को चलाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि फैब्रिक शॉप हम इसके द्वारा बहुत अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बुटीक। बुटीक हमारा जो सबसे ही चर्चित और बहुत अच्छा माध्यम है व्यापार शुरू करने का। यह हमारे घर घर में और कई जगह देखा जाए तो ये अक्सर मिल जाता है। बुटीक महिलाओं का ये सिलाई का केंद्र है जो बहुत ही प्रचलित है। इसमें हम बुटीक में हम अगर आपको सिलाई की कला आती है तो इस और बुटीक में हम अपने गारमेंट बच्चों से लेके बड़ों तक के गारमेंट को सिल सकते हैं व उससे अपना व्यापार बना सकते हैं। और यही हमारा व्यापार धीरे धीरे बड़ा होके एक बुटीक शॉप बन जाता है। बुटीक हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है। महिलाओं को अगर इस चीज में इंटरेस्ट है तो वह अपना व्यापार इस बुटीक के माध्यम से शुरू कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई। अगर आपको कढ़ाई विभिन्न प्रकार की आती है या आपको कढ़ाई बहुत अच्छे से करना जानते हैं तो आप कढ़ाई के भी माध्यम से आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप बेसिक स्टिच से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी अच्छी उसमें कढ़ाइयाँ कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आजकल के फैब्रिक में हैंड वाली कढ़ाई जो हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है वो बहुत प्रचलित है। आप किसी भी सूट में या साड़ी में या किसी भी बच्चों के कपड़ों में आप एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से बहुत ही उस कपड़े को सुंदर बना सकते हैं और उसके ही माध्यम से कढ़ाई करके आप अपना व्यापार इस लाइन पे भी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन क्लॉथ शॉप की। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड कितनी बढ़ती जा रही है। वो जैसा कि कोई भी व्यक्ति बाहर से शॉप नहीं कर सकता है शॉपिंग, तो वह ऑनलाइन के माध्यम से वह अपने घर पे ही शॉपिंग कर सकता है। इस माध्यम से ही हम अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी जो वेबसाइट होती हैं, इन पे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और घर बैठे ही अपना व्यापार चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे बात करते हैं डिजाइनर साड़ी बिजनेस की। इसमें क्या है, आज से पहले की साड़ी और अब की साड़ियों में बहुत अंतर आया हुआ है। इसमें क्या, डिजाइनर अपनी साड़ी को डिजाइन करता है और उसमें भी अपना बिजनेस कर सकता है। जैसे कि आपको प्लेन साड़ी को आपको कैसे डेकोरेटिव करना है, कैसे उसे सुंदर बनाना है, उसे प्लीट के थ्रू भी बना सकते हैं या उस पे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या किसी बॉर्डर के थ्रू आप उसे बहुत सुंदर बना सकते हैं। साड़ी कई तरह की डिजाइन में आती है, प्लीटेड साड़ी आती है, फिक्स साड़ी आती है, रफल साड़ी आती है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो इस लाइन में भी आपका व्यापार बहुत अच्छा बन सकता है। आप उस चाहे तो साड़ी में कढ़ाई के थ्रू उसे सुंदर कर सकते हैं या उसके बॉर्डर को अच्छे से सिल के डिजाइन करके बना सकते हैं या प्लीट के थ्रू आप उस साड़ी का बढ़िया से डिजाइन या डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता हैंड प्रिंटिंग गारमेंट बिजनेस। हैंड प्रिंटिंग जैसे कि आप नाम से जान रहे हैं कि हाथों द्वारा की गई छपाई। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक पे आपको बताया था कि प्रिंटिंग के बारे में, तो हैंड प्रिंटिंग में अगर आपकी रुचि बहुत अच्छी है तो आप हैंड प्रिंटिंग के थ्रू गारमेंट में प्रिंट करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि महिलाएं होती हैं, अगर उनको घर में व्यवसाय अपना स्टार्ट करना है तो अब वो हाथों की ठप्पो वाली छपाई जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, स्टेंसिल प्रिंटिंग होती है और स्प्रे प्रिंटिंग होती है, इन प्रिंटिंग के सहायता से आप घर बैठे हैंड प्रिंटिंग का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और ये प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी प्रिंटिंग होती है जिससे कपड़े बहुत सुंदर लगते हैं देखने में और बहुत आकर्षक होते हैं। तो हमने ये बताया आपको कपड़े का व्यापार किन किन माध्यमों द्वारा हम अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं और फैशन की लाइन में कितना आगे जा सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं जिसके बारे में हम बताएंगे कि कोई भी डिजाइनर कोई कपड़े को बनाता है और उसको डिजाइन करता है तो उन्हें किन किन बातों को ध्यान में रख के बनाना होता है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फैशन।
प्रिंसिपल ऑफ फैशन। फैशन डिजाइनर एक ऐसे फैशन डिजाइन बनाने के लिए विभिन्न तत्वों और सिद्धांतों पर काम करता है। मतलब जैसे कि हमारा कोई कपड़ा डिजाइनर बनाता है तो उसे सिर्फ स्केच करना ही नहीं होता है, बल्कि उस पे कैसा कलर हम डालते हैं, कैसी टेक्सचर डालते हैं, कैसे शेप और लाइन का यूज करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि लाइन, कलर, टेक्सचर और शेप, एक डिजाइनर को कपड़ा बनाने के लिए हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हम उस पे कौन कौन से सिद्धांतों पे काम करना है, वो सब ध्यान में रखते हुए ही हम आगे अपनी ड्रेस को बना सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे कपड़ों में लाइन, कलर, टेक्सचर और शेप का क्या महत्व है। एक डिजाइनर जब कोई कपड़ा डिजाइन करता है तो उसमें वह कई तरीके के सिद्धांतों पर काम करता है, जैसे लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप। लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप में ये ध्यान रखना होता है कि हमें कपड़े पर कैसा, हमें क्या प्रिंट देना है या कौन सा कलर देना है या कैसी लाइन रखनी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, पहले फिगर में हमने दिखाया है लाइन कितनी तरह की है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन। लाइन हमारी इसमें दिखाई गई है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगनल, ब्रोकन, वेव, जिगजैग और कर्व। ये सारी हमारी लाइनें होती हैं। इनका हमारा फैब्रिक से क्या रिलेशन है? जैसे हम कोई कपड़ा डिजाइन करते हैं, उस डिजाइन कपड़े पे अगर हमारी पसंद होती है कि हम उस पे लाइन का शेप दे या लाइन वाला प्रिंट दे, तो उस पे हमें कैसी लाइन देनी होती है। हम वर्टिकल लाइन भी दे सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन भी डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा एक सिंगल कपड़े पे हम सिर्फ एक ही लाइन का यूज करें। अगर हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को मिक्स करके बना सकते हैं डिजाइन को, या इसके अलावा कोई भी ब्रोकन या वेव, जिगजैग, कोई भी लाइन को अच्छे से डिजाइन करके कपड़े पर प्रिंट कर सकते हैं। लाइन के थ्रू हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर अधिक मोटा है तो हमें उसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसी लाइन का यूज करना चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर अधिक पतला है तो हमें उसके लिए कौन सी लाइन का यूज करना है। इसलिए अगर हम कोई ड्रेस डिजाइन कर रहे हैं और हमें उसमें लाइन का प्रिंट देना है, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें कौन सी लाइन कैसे रखनी है, कौन सी डिजाइन कैसे रखनी है। ये तो था लाइन के बारे में। अब हम बात करते हैं लाइन जब हम प्रिंट दे देते हैं, प्रिंट देने के बाद हम उसपे एक एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना कपड़ा अधूरा लगता है देखने में, वो है हमारा कलर। सबसे पहले कलर के बारे में बताते हैं कि कलर क्या है। आप जैसे कि चित्र में देख रहे हैं कि कलर में रेड कलर, येलो, ब्लू, जो ये हमारे प्राइमरी कलर है जिन्हें हम प्राथमिक कलर बोलते हैं। प्राथमिक कलर हमारे जो होते हैं, विभिन्न कलरों के माध्यम से हम कपड़े में कलर दे सकते हैं और कपड़े को बहुत अच्छा व सुंदर बना सकते हैं। जैसा कि आप बाद में देख रहे हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वायलेट और रेड, ये हमारे द्वितीयक रंग हैं। जैसे कि रेड येलो को मिला के हमारा ऑरेंज कलर बनता है, येलो और ब्लू को मिला के ग्रीन कलर बनता है, और ब्लू और रेड को मिला के वायलेट कलर बनता है। ये जो हमारे बीच में आप देख रहे हैं कि ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट, ये तीनों कलर हमारे हमारे सेकेंडरी कलर होते हैं, और इन कलरों के माध्यम से हम उस पे कपड़े पर प्रिंट करते हैं या उस कपड़े पर रंग करते हैं। इन कलर के माध्यम से हम अपने कपड़े को बहुत सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। ये कलर हमारे लिए कपड़ों में बहुत यूजफुल होता है। इन कपड़ों में कोई भी एक कलर के साथ कोई भी कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं, या कोई भी हम शेड या टिंट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि किसी एक कलर पे हम अगर हम ब्लैक कलर मिक्स करते हैं तो वो हमारे शेड बनते हैं, और किसी एक कलर पे अगर हम उसी में व्हाइट मिक्स करते जाते हैं तो वो हमारे टिंट बनते हैं। इस तरह हम कलर के शेड के या टिंट के माध्यम से कलर के नए लाइट या डार्क कलर को शो कर सकते हैं।
अब ये हो गया कलर, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टेक्सचर। कपड़ा प्लेन तो सब पहनते हैं, प्रिंट पहन लिया, कलर पहन लिया लाइनिंग वाली, अब बात करते हैं मेन, उसपे हम क्या देखते हैं प्रिंट का। जैसे कि हमारा कोई फैब्रिक है उसपे अगर वो प्लेन कपड़ा है, अगर हम उसको प्रिंटेड पसंद करना है तो हम उसपे टेक्सचर किस तरह का देते हैं। जैसे कि कोई कपड़ा है उसपे अगर हमें टेक्सचर देना है, अगर हमें उस कपड़े को प्लेन रखना है तो हम उसे प्लेन रख सकते हैं, बट अगर हमें टेक्सचर पसंद है तो उसमें हम टेक्सचर भी कई तरह के दे सकते हैं। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं कि हमने इस पे फैब्रिक पे एक पेंसिल का टेक्सचर दिया हुआ है। ये एक पेंसिल का टेक्सचर जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये एक पेंसिल का टेक्सचर बहुत ही अच्छा है और इसे हम और भी तरीकों से दे सकते हैं। टेक्सचर को हम विभिन्न प्रकार से दे सकते हैं, जैसे कि थंब से दे सकते हैं, थ्रेड टेक्सचर दे सकते हैं, नेल का टेक्सचर दे सकते हैं, मार्बल टेक्सचर दे सकते हैं, और कोई लीफ होती है जैसे कोई पत्तियां होती हैं, हम उसके माध्यम से भी टेक्सचर दे सकते हैं और फ्लावर से भी हम टेक्सचर दे सकते हैं। टेक्सचर को देने से कपड़े में बहुत ज्यादा खूबसूरती आ जाती है, वह बहुत अच्छा लगता है देखने में। अगर हम इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे कपड़े का हमारा बेस होता है, उस बेस में जो कलर होता है उसके अकॉर्डिंग ध्यान रख के हमें टेक्सचर का कलर देना पड़ता है। जैसे हमारा बेस की वजह से टेक्सचर हमारा छिप ना जाए, वो और उभर कर आता है और टेक्सचर फिर फाइनल होने के बाद देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं शेप्स की। शेप्स भी हमारे कई तरह की होते हैं। ज्योमेट्रिकल में जैसे अभी हमने बताया चेक शेप होता है, जैसे ये दिखाया गया है चित्र में कि हमने एक ट्रायंगल शेप है, सर्कल शेप है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कई तरह के शेप का यूज किया है। हम अपने फैब्रिक में एक इस शेपों का भी कई तरह से यूज कर सकते हैं। अगर कोई डिजाइनर अगर ये चाहे कि हमें उसमें ज्योमेट्रिकल शेप का यूज करना है तो हम इन शेपों की मदद से कई तरह के शेप को फैब्रिक पर प्रिंट कर सकते हैं। इन्हीं प्रिंट को बस ये ध्यान में रखना होता है कैसे शेप कहाँ पर हमको प्रिंट करना है और कौन सा शेप फैब्रिक पे ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि ज्योमेट्रिकल प्रिंट का कपड़ा आप देखते होंगे मार्केट में मिलता है, उस पर आप देखते होंगे कई तरह के ज्योमेट्रिकल प्रिंट आते हैं और कई तरह की शेप भी मिलते हैं। जैसे कि इसमें शेप दिखाए गए, हमने कई तरह के दिखाए हैं, इन शेपों का भी हम उपयोग करके फैब्रिक को बहुत अच्छा बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, प्लेन फैब्रिक जैसे होता है उसको अगर हम प्लेन रखें या कोई भी कलर रखें उसके ऊपर हम शेप दे सकते हैं, या तो हम सिर्फ कलर का शेप मेन फैब्रिक पे कलर कर दे और शेप पे ना देकर इसको सिंगल व्हाइट कलर रखें तो भी शेप बहुत अच्छा लगेगा। शेप को ये ध्यान रखते हुए रखना है कि हमें रेक्टेंगल में कैसे एडजस्ट करना है फैब्रिक पे, सर्कल में कैसे करना है और ट्रायंगल में कैसे करना है। इन शेपों को हम छोटा छोटा करके बहुत अच्छे से प्रिंट दे सकते हैं, या इन शेप को हम टेक्सचर में मिक्स करके या किसी लाइन में मिक्स करके बहुत ही अच्छा कपड़ा बना सकते हैं और उसको बहुत कलर की देकर बहुत खूबसूरत कर सकते हैं। तो हमने ये बताया कि कोई भी डिजाइनर ड्रेस डिजाइन करते समय कौन कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रख के फिर अपनी ड्रेस को डिजाइन करता है, जैसे लाइन, कलर, टेक्सचर और शेप। इन इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही एक डिजाइनर अपने ड्रेस को पूर्ण तरह से तैयार करता है। अब बात करते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की, जिसमें हम बताएंगे आपको कपड़ा को कैसे, कब और कहाँ, कैसे मौसम के ओकेजन पे पहनना चाहिए। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, आप देख रहे हैं कि फैशन समय अंतर में इच्छा, मौसम व परिस्थितियों के अनुसार बदलाव लाता है। जैसे फैशन हमारा जो होता है वो एक समय पर नहीं टिकता है, यह हमारा बदलता रहता है, नया फैशन आता है और पुराना फैशन चला जाता है। जैसे ये हमारे समय के साथ तो बदलता है, साथ ही हमारे इच्छा पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या पहनना पसंद करते हैं। यह मौसम के अनुसार भी बदलता है, जैसे कि हमारा कोई गर्मी का मौसम होता है तो उसमें सबसे पहले हम क्या पहनना पसंद करते हैं, सूती का कपड़ा, कॉटन की कपड़ा पहनते हैं जिससे हमको गर्मी नहीं लगती है। और इसमें मौसम में जैसे बरसात के मौसम होता है तो हम सबसे पहले
व्हाइट कपड़े को अवॉइड करते हैं, क्योंकि व्हाइट कपड़े बारिश के मौसम में जल्दी गंदे हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में हम ऊनी कपड़ा पहनना पसंद करते हैं तथा डार्क कपड़ों को ज्यादा ध्यान देते हैं कि डार्क कपड़ों में सर्दियों में पहनते हैं, जिससे हमें काफी ठंड कम लगती है। ऊनी कपड़ों का भी बहुत अच्छे से और डिजाइनर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऊनी कपड़ों में स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन के इत्यादि के अलावा हमारे स्कार्फ, कैप आदि बहुत सारे डिजाइनर चीज आते हैं जो हमारे फैशन से ही रिलेटेड हैं। यह मौसम के अनुसार बदलता है, जैसे हमने आपको बताया सर्दी, गर्मी और बरसात के अनुसार बदलता है तथा समय के साथ भी बदलता रहता है कि आज ये फैशन चल रहा है, कल ये फैशन है और आने वाले समय में फैशन बदल जाता है। जैसे कि अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें लिखा है किसी भी डिजाइन के स्टाइल को तब तक फैशन में नहीं ला सकते हैं जब तक वह फैशन प्रचलित में नहीं आ किसी भी डिजाइन को स्टाइल तब तक फैशन में नहीं ला सकते जब तक वह प्रचलित नहीं होता। जैसे कोई भी डिजाइन है, जब तक हम उसको बाहर मार्केट में नहीं लाएंगे या लोगों द्वारा नहीं पसंद किया जाएगा, तब तक वह अधिक प्रचलित नहीं होता है। अधिक प्रचलित हो जाता है, जैसे भी कोई भी गारमेंट या कोई भी ड्रेस होती है, जब वह अधिक प्रचलित हो जाती है उसी को फैशन कहते हैं। जैसे आप शॉप में बाहर देखते हैं डमी पे, या आप उसे पुतला भी कह सकते हैं, आप उसमें देखते होंगे जितनी लेटेस्ट डिजाइने चल रही होती है, वो सब शॉप वाले उसी डमी पर कपड़े डाल के फिर उसको बाहर निकाल के दर्शाते हैं कि देखिए आज ये लेटेस्ट फैशन, उसी के अकॉर्डिंग हम देख के आकर्षित होके शॉप पे जाते हैं और उसको खरीदते हैं या उसको पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जब भी कोई फैशन होता है, जैसे कि आज हमारा ये ट्रेंड चल रहा है फैशन का, अगर वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है तो उसकी समाप्ति भी बहुत जल्दी आती है। जैसे कि आप अभी लेटेस्ट एग्जांपल हाल ही में देख रहे थे, रफल साड़ी का फैशन कितना ज्यादा चल रहा था और जैसे ही वो रफल साड़ी का फैशन इतना प्रचलित हो गया कि अब वह रफल साड़ी का प्रचलन कम होता जा रहा है। इसीलिए फैशन जो होता है वो समय के साथ बदल जाता है कि आज फैशन है रहता है, कल दूसरा फैशन हो जाता है और फिर आने वाले टाइम पे दूसरा फैशन हो जाता है। फैशन में एक और खास बात है कि यह पुराना फैशन लौट के वापस आता है और नया फैशन चला जाता है। इसमें जरूरी नहीं है कि फैशन पढ़ता जाए, बदलता जाए या सिर्फ लेटेस्ट ही आता जाए। कभी कभी हमारे फैशन लाइन में पुराना फैशन भी लौट कर आता है और बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखाते हुए उसमें कई सारे डिजाइन और वेरिएशन डाल सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की सारांश। आज हमने आपको बताया फैशन क्या है, फैशन के व्यवसाय बताए और उसके सिद्धांतों के बारे में बताया, और हम अपना व्यापार कैसे शुरू कर सकते हैं इसके बारे में बताया, जैसे कि हमने बुटीक बताया और हमने इसमें ऑनलाइन बताया फैब्रिक शॉप खोल करके कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से भी हम अपना व्यापार कर सकते हैं, फैशन के व्यवसाय के हम प्रचार किस तरह कर सकते हैं आज हमने इसके बारे में भी आपको बताया, जैसे मैगजीन के थ्रू, फैशन के थ्रू, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविजन आदि के बारे में बताया, फैशन क्या होता है इसके बारे में भी बताया। चलिए इसी के साथ अब हम आज प्रसंग को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिस किताब के माध्यम से हमने आज आपको पढ़ाया उसका नाम है किताब का फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी लेखिका है निशा रुचि। चलिए हम इसी के साथ आज का प्रसंग फैशन के व्यवसाय व उसके सिद्धांत को आप समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज जो मैंने प्रशिक्षण आपको दिया वह आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।